अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम सीखेंगे कि YouTube पे चैनल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना एक नया Gmail ID क्रिएट कर लें। ठीक है, Gmail ID के लिए आप किसी भी क्रोम पे जाके यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं Gmail का। ठीक है, जब आपने अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपने ब्राउज़र को ओपन करके, ठीक है, ब्राउज़र को ओपन करके उसमें यूट्यूब को ओपन करना है। ठीक है, यूट्यूब इसमें आ रहा है, ये हमने किया यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब को ओपन करके इसमें आपके पास, आप देखें राइट यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे, ये इस पर क्लिक करेंगे अपनी पिक्चर पे, तो यहाँ पे योर चैनल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, योर चैनल पे क्लिक किया, के बाद आपने जो है ये अबाउट चैनल प्लेलिस्ट ये सब आ रहा है। ठीक है, तो ये आप देखें, आपने यहाँ पे किया मैनेज वीडियोस और कस्टमाइज चैनल, ये दो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हमने पहले कस्टमाइज पे क्लिक किया है, कस्टमाइज पे ब्रांडिंग का ऑप्शन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है और लेआउट है। ठीक है, बेसिक इन्फो में हम आ जाते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फो में सबसे पहले आप अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है मुस्लिम आइडेंटिटी। आप कुछ भी रख सकते हैं, जो आप चैनल बनाना चाहते हैं, जिस भी हवाले से, जो रिलेटेड कोई, अगर आप तो कंट्री में, हम क्योंकि पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान जो भी आपका कंट्री है, आप वो अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम करेंगे पाकिस्तान या। ठीक है, अच्छा कीवर्ड्स में क्या लिखना है? कीवर्ड्स में आप अपने ही चैनल लिखें, ठीक है, डिफरेंट तरीक़ों से, ताकि जो सर्च करेगा, जैसे हमारा मुस्लिम आइडेंटिटी था, तो हमने यहाँ पे मुस्लिम पहले ऐसे लिख लिया आइडेंटिटी, फिर उसके बाद इसको दूसरे तरीके से लिखा। ठीक है, अब हमने पहले एम कैपिटल लिखा था, अब हम सब कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, मुस्लिम आइडेंटिटी। उसके बाद फिर हम सब कुछ कैप्स ऑन करके लिख लेते हैं, सब वर्ड्स कैपिटल रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कैप्स ऑन कर दिया, ऑफ़ कर दिया, उसके बाद फिर हमने एम कैपिटल लिखा फर्स्ट वर्ड यानी के, और फिर उसके बाद आइडेंटिटी का आई हमने कैपिटल में लिख लिया। ठीक है, आइडेंटिटी तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से आपने रख लें, और उसके बाद इसको यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव कर दें। ठीक है, सेव हो गया। ये अब डिस्क्रिप्शन आएगी, डिस्क्रिप्शन में आप इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करें कि आपने चैनल क्यों बनाया है, या जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ऐड लैंग्वेज में जाएंगे, लैंग्वेज में इंग्लिश, ठीक है, सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश कर लें आप, और ठीक है, एंटर चैनल नेम भी आ रहे हैं यहाँ पे फिर से। ठीक हो गया, अब ये डन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आप इसको डन कर दें, और यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन पीछे नीचे और देख लेते हैं, यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऐड लिंक का मतलब आप अगर यहाँ पे इंस्टाग्राम का या जो भी और अपने सोशल ऐप्स का देना चाहते हैं, वहाँ पे ये लिंक होता है यहाँ पर। ठीक है, और कॉन्टैक्ट इन्फो में आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल जो भी होगा वो वेरीफाई, ये ईमेल एड्रेस आ रहा है, तो क्योंकि ये हमने जिस ईमेल से बनाया है ये वाला नहीं, हम दूसरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है,
आपको मैं यहाँ पर अपना ईमेल कर देती हूँ। ठीक है, इस पे एक पासवर्ड आता है, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। चैनल यूआरएल हो गया, ये सारा हो गया, ये आपके चैनल का लिंक है, ठीक है। उसके बाद ये ईमेल, एक्चुअली मैंने इसमें डॉट डालना भूल गई, ये आप ये देखिए पब्लिश का आ गया ऑप्शन, इसको हमने सेव कर दिया, सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई और आपका चैनल जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब ब्रांडिंग का ऑप्शन जो होता है ना, इसके बराबर में देखें आप ऊपर जहाँ से हमने बेसिक इन्फो किया था, ये ब्रांडिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर क्या अपलोड करना है, यहाँ पर आपने पिक्चर का जो बैनर होगा ना, जो मेन टॉप पर आपका कोई भी चैनल हम ओपन करते हैं तो एक बैनर बना हुआ रहता है वहाँ, ये वो आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ, बैनर कैसे बनाना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी बता दूंगी कि बैनर कैसे बनाना है। और यहाँ पर भी आपकी पिक्चर अपनी ऐड होगी, ठीक है, ये आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी इस तरीके से। उसके बाद लेआउट, ये फिलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, तो ये देखिए आपका ये चैनल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि अभी हमने अभी नया बनाया है तो कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं हुई हुई, ये अपलोड वीडियोज़ का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप कोई भी वीडियो अगर आपके पास, क्योंकि मैं इस पर पीसी पे बना रही हूँ, तो अगर पीसी में आपके पास कोई मौजूद है वीडियो तो आप वहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मोबाइल के कैमरे से भी बना सकते हैं, ठीक है। क्रिएट शॉट का ऑप्शन आता है, क्योंकि मोबाइल पे किसी और तरह वर्क करता है चैनल और थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें पीसी पे, ठीक है ना। तो कोई भी वीडियो अगर हमारे पास हो तो हम उसको सेलेक्ट करके और इसमें ऑप्शन इसका आता है तो हम उसको कर सकते हैं अपलोड, ठीक हो गया, ये भी पता चल गया आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कितने हमारे सब्सक्राइबर हुए हैं, कितने ऑडियंस जो है उनकी एज क्या है और उनके कंट्रीज़ क्या हैं, डेट वाइज यहाँ पे सारा ग्राफ आ रहा होता है, ठीक है। आई होप कि आपको चैनल बनाना समझ आ गया होगा, अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।